हेलो दोस्तों, WAG5 के रिले बोर्ड पर ये आपकी ABB टाइप या प्लंजर टाइप की Q51 रिले है। एक Q51 रिले नॉर्मल कंडीशन में आपकी डीनेराइज कंडीशन में होती है और ये टाइप रिले का ये आपका प्लंजर होता है। अगर आपकी ये रिले डीनर्जाइज है तो ये प्लंजर बाहर रहता है और आपको ये अंदर की तरफ गैप दिखाई दे रहा है। अगर आपको Q51 रिले को डीनेराइज कंडीशन में बेच करना है तो आपको इस गैप में इस टाइप का एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है और इस गैप में फंसा देना है इस तरह से। अब आपकी ये प्लंजर प्रेस नहीं होगा, आप देख सकते हैं, मतलब आपकी Q51 रिले डीनर्जाइज कंडीशन में बेच हो गई। अब Q51 रिले को नॉर्मल करने के लिए आपको इस लकड़ी के टुकड़े को निकाल लेना है। अब आपकी ये Q51 रिले नॉर्मल हो गई है। जब भी चलती कंडीशन में लोको में कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो एक प्लंजर आपका प्रेस हो जाता है और आपकी Q51 रिले आप देख सकते हैं इनर्जाइज कंडीशन में चली गई है और आपका एक गैप खत्म हो जाता है और आपका लोको जितनी भी नोचेस होता है वो ऑटोमेटिकली बैक हो जाती है। और ये आप देखिए आपकी Q51 रिले की नॉर्मल कंडीशन। और अगर और कोई रिले आपकी ABB टाइप रिले है और आपको उसको इनर्जाइज कंडीशन में वेज करना है तो सबसे पहले आपको इस प्लंजर को प्रेस करना है जिससे आपका पीछे की तरफ का गैप खत्म हो जाएगा और आगे की तरफ एक गैप बन जाएगा। तो एनर्जाइज कंडीशन में वेज करने के लिए आपको आगे की तरफ जो गैप बना है उसमें लकड़ी का टुकड़ा फंसाना है जिससे आपकी वह रिले एनर्जाइज कंडीशन में वेज हो जाएगी। और अगर हम लोग ABB टाइप रिले को डीएनर्जाइज कंडीशन में वेज करते हैं तो पीछे जो गैप पहले से रहता है उसमें हम लोग वेज को फंसाते हैं और एनर्जाइज कंडीशन में वेज करने के लिए जो आगे की तरफ गैप जनरेट होता है इसमें हम लोग वेज को फंसाते हैं।